करीब 26 लाख रुपए के 263 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ गुमला पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक हकीमगंज घटना निवासी 21 वर्षीय जयकांत कुमार और घटना निवासी 22 वर्षीय संतोष कुमार को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। इनके पास से 263 किलो गांजा बरामद किया गया था। 3 मई को पंचायत चुनाव के मद्देनजर गुमला पुलिस के द्वारा गुमला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एंटी क्राइम वाहन चेकिंग चलाया जा रहा था और कामदारा थाना प्रभारी के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग करने के वक्त एक बहुत ही तेजी और लापरवाही से पिकअप वैन जिसमें जो बिहार का नंबर था बैरिकेटिंग क्रॉस करते हुए आगे निकली, जिसका पीछा सत्य आधार पर पीछा करते हुए थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार ने उस गाड़ी को चेस किया और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे आ गई। उसमें से 2 व्यक्ति घायल रूप में इनको मिले और जब गाड़ी का निरीक्षण हुआ तो पता चला कि उसमें गांजा है। तो गांजा टोटल लगभग 263 केजी है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 26 लाख रुपये है और 2 व्यक्ति की गिरफ्तार भी हुई। गांजा कहाँ से लाया जा रहा था और कहाँ जा रहा था? ये छत्तीसगढ़ से बिहार इनका ट्रांजेक्शन हो रहा था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।